पत्रकारों के पास थी, वो क्या पूछें, फिर भी मेरे जहन में कुछ शब्द हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, आपने एक नेशनल अवार्ड जीता है, और वो किस फिल्म में जीता है और कब जीता है, प्लीज़ थोड़ा संक्षेप में बताएं। 2003 में मैंने श्वास नाम की फिल्म की थी, जिसमें मैंने वो प्रोड्यूस की थी, और उसने बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाया था, जो लीड रोल था ग्रैंड फादर। एक घटी हुई घटना पर आधारित थी श्वास नाम की फिल्म, और जब मैंने वो फिल्म करने को शुरू की तो हमारे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमको मदद की, पैसा खड़ा कर दिया, फिल्म पूरी की। लेकिन सबका कहना है था ये फिल्म नहीं चली, बहुत ज़्यादा इमोशनल और तकलीफ। मैंने कहा तो उसका यश है, यही तो सक्सेस है उस फिल्म का, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म होने वाली है और एक इतिहास बनाएगी, और उस फिल्म ने इतिहास बना दिया। 50 साल के बाद उस फिल्म को नेशनल अवार्ड गोल्डन लोटस मिला था, भारत की सर्वोत्तम फिल्म करके, और वो पहली मराठी फिल्म थी जो ऑस्कर को गई थी। तो हम लोग बहुत खुश थे हम पर, कि हमारे पास क्या था, कुछ नहीं था सच बोला, सिर्फ एक बात, एक चीज़ अलग थी सबसे, कॉन्फिडेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे काम करते वक्त कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के पास। कॉन्फिडेंस तुम्हारा हौसला बढ़ा देता है, तुम्हारी मेहनत बढ़ा देता है, और जो तुमने किया है उन लोगों के पास जाने की हिम्मत मन में आती है। तो इस तरह की श्वास फिल्म है जो 2003 में आई थी, और उसने एक इतिहास बना दिया। सर, आप कभी फिर से डायरेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसी फिल्में लाना? हाँ, उसके बाद मैंने 2-3 फिल्म की डायरेक्ट की है, और अभी एक फिल्म करूँगा। और आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस राइटर हैं? हाँ, राइटर भी हैं। और ये 12 तास, फक्त 12 तास, ये फिल्म लिखते वक्त आपके जहन में ऐसी कौन सी चीज़ आई कि जो पन्नों पर उतर गई कलम के द्वारा? मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म जो है ना, एक मैसेज है उन लोगों के लिए, उस कपल्स के लिए है जो बहुत प्यार करते हैं दूसरे को, इतना प्यार करते हैं कि जो होता है एक पल को खोने का डर होता है, दोनों सुबह एक कहीं गुम हो जाए, या ये सुबह कि वो फिनिश खत्म हो गया, वो जो दर्द होता है ना, उस दर्द को फील करना, मुझे लगता है कि हर वो कपल जो है चाहेगा कि मेरी लाइफ में वो कैरेक्टर ना, वो लम्हा ना आए। और जब मैं लिख रहा था, लेकिन मानिए कि मेरी कलम रुक गई थी, और सोच पड़ गया था कि क्या ये मुमकिन है, लेकिन फिर दिल ने कहा कि नहीं, एक प्यारा मैसेज दे रहे हो, जिसको आप प्यार करते हो उसे हर पल इस तरह से जियो कि आखिरी पल समझ लीजिए, मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। और शायद यही वजह थी कि जब 12 तास लिखा, कमेंट किया मैंने, तो एक भरोसा था मुझे कि जब ये फिल्म का दी एंड होगा तो लोगों के आँख में आंसू होंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, ये मेरा है विजन था उसमें, और सचित रहा उसके अंदर में। अरुण सर के बारे में कैसे ख्याल आया कि मुझे अरुण जी को ही लेना है अपनी इस मूवी में, इस कैरेक्टर के लिए? एक्चुअली मुझे कुछ हमेशा नया करने की आदत रहती है, और निगेटिव रोल के लिए बहुत सारे लोग चेहरे, बहुत सारे नाम चेहरे थे, लेकिन अरुण जी की जो इमेज है बहुत ही साफ सुथरी इमोशनल कैरेक्टर की है, तो मुझे लगा कि किसी ऐसे शख्स को हम लेकर आए हैं स्क्रीन, लोग भी सरप्राइज हो क्या ये आदमी भी कर सकता है क्या। यहाँ तक कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अरुण जी को रोल सुना है मैंने, तो एक पल को यार ये मैं करूँगा, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, प्लस 100% करेंगे। सिर्फ मेरा उन्हें आपके स्वास्थ्य देख कर उन्हें ये कहा कि ठीक है, मैंने ये कहा कि भाई कि इस तरह के लोग समाज में हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए आपका ये रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब ये मुझे समझ लिए, और उन्होंने फर्स्ट डे लगभग 2 या 3 शॉट में लिए थे, उनको दिखाया मैंने, सर ये आपका एंगल है, ये आपका लुक है, ये मूड है, उसके बाद तो पूछिए मत जो काम किया हम लोगों ने, और इतना भरोसा अर्जित कर लिया मैंने कि जब उनसे कहा कि मेरी आने वाली फिल्म आपको करना है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई फिल्म में मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बोले हाँ मैं कर रहा हूँ, बस सर कहानी सुन लीजिए, बोले आप कौन हैं, मैंने कहानी सुन ली।
और बाकी कास्टिंग का चयन किस तरीके से आपने किया? देखिए, मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में, इसका नाम था फक्त तुझे साथी, यानी सब तुम्हारे लिए। उस फिल्म में मैंने एक लड़की को कास्ट किया था, उसका था लीना। अच्छा, गुड लुकिंग, बढ़िया लड़की थी वो, हार्ड वर्क करने वाली थी, लेकिन ये उनकी फर्स्ट मूवी थी और उतना सीरियस नहीं थी उस काम को लेके। लेकिन जब मैंने उनका काम आगे बढ़ाया, काम किया, देखा, तो उस लड़की ने लगा कि यार मैं तो एक्टर हूँ यार, मुझे अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ मैं। न्यूज़ में और न्यूज़ फैक्ट्री HRC बॉलीवुड में बहुत स्वागत है। आप इस फिल्म के बारे में बताएं, आपका किस प्रकार का रोल है इस फिल्म में और क्या किरदार आप निभा रहे हैं एज अ बैक ऑफ कैमरा? मेरा नाम राहुल तिवारी, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। ये कार्यक्रम शर्मा जी के साथ मेरा ये दूसरा मूवी। हम लोगों ने मराठी मूवी में एक डिफरेंट कल्चर दिखाया है। मराठी मूवी की जो मेकिंग होता है उसको एक क्लास लेवल पर बनाया है। एक समाज के अंदर 12 घंटे के अंदर क्या हादसे को दिखाया है कि एक इंसान की गलतियाँ से कितने बड़े प्रॉब्लम है। देश के अंदर जो शूटिंग वगैरह किया गया है, महाराष्ट्र से बाहर काफ़ी दूर तक शूटिंग के लिए अच्छे अच्छे लोकेशन यूज किए हैं, अच्छी टीम को यूज किया है। मूवी एक बार देखने के बाद लोग लगे हैं कि मराठी मूवी एक बॉलीवुड टाइप की कैटेगरी में बनाया गया और काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का शूटिंग। जितने भी हमारे टेक्नीशियंस हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सब लोगों ने अपना फैमिली के जैसा मिलकर काम किया, जिसके कारण हम लोगों ने इस मराठी मूवी को एक बॉलीवुड के टाइप का हमने दिया। कहाँ के किस लोकेशन में इसे शूट किया गया है? ये अपना उदयपुर में शूट हुआ था, मुंबई में शूट हुआ था और इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ प्रोमो वगैरह यूज करके। कितनी परेशानियाँ आपको सहनी पड़ी इस फिल्म के लोकेशन को लेकर या कास्ट एंड क्रू को लेकर? एक्चुअली जब हम मराठी मूवी करते हैं और जब हमारा बजट लो होता है, उस पीरियड में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको हमने लेसन पे करना पड़ता है ताकि उसको अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में भी काफ़ी इशू चाहिए लोकेशन वगैरह को लेकर, लेकिन हम लोगों ने उसको अरेंज करके अपने रिलेशन पे जितना बेहतर हो सके मूवी दिखाने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट फिल्म आपकी कौन सी? नेक्स्ट मूवी हम लोग का अभी चल रहा है, अभी नहीं चाहिए चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया और दूसरों किसी का HRC बॉलीवुड में। सर, आप आपका इसमें क्या योगदान है इस फिल्म में, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर, मैं इस फिल्म का गीतकार हूँ, ये फिल्म का गाना मैंने लिखा है और एक सस्पेंस फिल्म है। ये सस्पेंस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही गाना है और वो एक ही गाना मैंने लिखा है, रोमांटिक सॉन्ग है और ये फिल्म की जान है। जब आपने इस गाने को लिखा तो आपको डायरेक्टर की तरफ से कुछ हिंट दिया गया कि हाँ मुझे इस तरीके का गाना चाहिए इस फिल्म में? हाँ, मुझे डायरेक्टर ने स्पेशली बोला था कि ये सस्पेंस स्टोरी है, एक ही गाना है तो गाना, ये फिल्म का गाना जो है ये हाईलाइट होना चाहिए। इस हिसाब से रोमांटिक में आपको जो डालना है, जितना मसाला डालना है, जो भी डालना है एक अच्छे गाने के लिए, रोमांटिक सॉन्ग के लिए, वो आपको मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने वो गाना लिखा। दो लाइन सुनाएंगे सर इस गाने। स्वप्ना हृदय तो शिरावा प्रेमाचा सरीना चिंब चिंब भिजावा तुझ नाव सखे माझा हृदयावर कोरावा। आप सर इस फिल्म से क्या आशाएं हैं आपकी? मुझे इस फिल्म से बहुत आशाएं हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सब लोगों ने इतना मिलजुल कर काम किया है, हर कलाकार ने, हर एक्टर ने, हर आदमी ने इसमें अपनी जान लगा दी है और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, 100% चलने वाली है और पब्लिक इसको पसंद करेगी। कब रिलीज़ हो रही है सर, क्यों पब्लिक देखे आ? और ये 11 अक्टूबर की रिलीज हो रही है और ये क्या मालूम है आज के ज़माने में एक 12 घंटे के अंदर क्या क्या हो सकता है किसी आदमी के साथ, किसी लेडीज के साथ या किसी के साथ भी, 12 घंटे के अंदर क्या हो सकता है और उसका नतीजा क्या निकल सकता है और 12 घंटे के अंदर क्या क्या होने के बाद आदमी कैसा सवर जाता है, ये इसमें सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर।
साथ साथ आई कि आपका स्वागत है, फिर आपको इंट्रोडक्शन बोलूँगा तो आप भी बोलना, ठीक है? नीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IHRSE बॉलीवुड में, न्यूज़ फैक्ट्री में और बॉलीवुड बस न्यूज़ में। आप अपना इंट्रोडक्शन दें, इस फिल्म में किस प्रकार का आपका किरदार है? नमस्कार, मेरा नाम है नितिन साळवे। इस फिल्म में मैं पके का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो एक टोकोरी लोकल गुंडा रहता है। तो वैसा मेरा एक कैरेक्टर है जो किसी के भी मतलब जो उसके बड़े बॉस है उनके दम पे उड़ता रहता है, खुद में तो कुछ दम नहीं रहता है लेकिन उनके नाम पे ज़्यादा उदकता है, ऐसा वो कैरेक्टर है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल था, जब मुझे हमारे डायरेक्टर पैरे जी ने कॉल करके बुलाया कि तेरे लिए ऐसा ऐसा लिखा है और पढ़ के दिखाया, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा लेकिन अच्छा किया। आपको जब ये अप्रोच किया गया फिल्म तो आपको कैसा लगा? पहले तो मुझे अप्रोच करने को देख फिल्म बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, पैरे जी के साथ, और बहुत धमाल मस्ती के साथ हमने ये फिल्म शूट की, इन्जॉय किया। अरुण जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम? अरुण जी के साथ पहली फिल्म थी, सीनियर एक्टर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इनके उनके साथ काम करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका स्वागत है, फिर आपको इंट्रोडक्शन बोलूँगा तो आप भी बोलना, ठीक है? ओके। नीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IHRSE बॉलीवुड में, न्यूज़ फैक्ट्री में और बॉलीवुड बस न्यूज़ में। आप अपना इंट्रोडक्शन दें, इस फिल्म में किस प्रकार का आपका किरदार है? नमस्कार, मेरा नाम है नितिन साळवे। इस फिल्म में मैं पके का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, जो एक टोकोरी लोकल गुंडा रहता है। तो वैसा मेरा एक कैरेक्टर है जो किसी के भी मतलब जो उसके बड़े बॉस है उनके दम पे उड़ता रहता है, खुद में तो कुछ दम नहीं रहता है लेकिन उनके नाम पे ज़्यादा उदकता है, ऐसा वो कैरेक्टर है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल था, जब मुझे हमारे डायरेक्टर पैरे जी ने कॉल करके बुलाया कि तेरे लिए ऐसा ऐसा लिखा है और पढ़ के दिखाया, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा लेकिन अच्छा किया। आपको जब ये अप्रोच किया गया फिल्म तो आपको कैसा लगा? पहले तो मुझे अप्रोच करने को देख फिल्म बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, पैरे जी के साथ, और बहुत धमाल मस्ती के साथ हमने ये फिल्म शूट की, इन्जॉय किया। अरुण जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका काम? अरुण जी के साथ पहली फिल्म थी, सीनियर एक्टर है, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला इनके उनके साथ काम करके। थैंक यू सर। देव अकमारे जी आपका स्वागत है बॉलीवुड बज न्यूज में, IHRSE बॉलीवुड में और न्यूज फैक्ट्री में। नमस्ते। हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और इस फिल्म में किस प्रकार का आपका किरदार है उसको संक्षेप में बताएं सर। मेरा नाम देव अकमारे है। इस फिल्म में मैं एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहा हूँ। जो इंस्पेक्टर वो मतलब इमोशनल है मगर वो जॉब की वजह से, ड्यूटी की वजह से वो सख्त बिहेव करता है। जब उससे घर से फ़ोन आ रहा है, जब मैसेज से बात करना है, तो बहुत इमोशनली बात करता है, उसको टाइम देने की कोशिश करते हैं। मगर ये पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है ऐसे ना कि वो चाहते हुए भी घर वालों को टाइम नहीं दे पाते ड्यूटी की वजह से, और वो अपने घर वालों को नाराज़ करते रहते हैं मगर उनको समझने वाली उनकी वाइफ ही रहती है। इस टाइप का कैरेक्टर है। जब आपको फिल्म अप्रोच हुआ तो आपके रिएक्शन क्या था, पहला रिएक्शन क्या था? बेसिकली मैं बहुत खुश था जब मुझे फिल्म अप्रोच हुआ। मैं मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत मतलब अरुण जी के साथ मैंने कम से कम 6-7 फिल्में की है और ये फिल्म बाय लैंग्वेज है, तो मैं बहुत खुश था। और सेकंड लीड कैरेक्टर है, पैरेलल कैरेक्टर है, हीरो का पैरेलल कैरेक्टर। जब से हीरो गायब होता है उसके बाद इंस्पेक्टर एंड कंटिन्यू इंस्पेक्टर एंड, तो मैं बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद मुझे अच्छा कैरेक्टर मिला, बड़ा कैरेक्टर मिला, कुछ तो होना ही। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, आपने किस तरह का काम किया है पहले और अभी क्या आने वाला है, आपकी कौन सा प्रोजेक्ट? इससे पहले मैंने हिंदी में एक ही किया था वो जिंदा करके, और मराठी में मैंने टाटुआ करके सिनेमा था, टाटुआ है, बटरी बॉयज है, ब्रेव हार्ट में बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा, टाटुआ भी अच्छा कैरेक्टर था। पर मेरी आने वाली फिल्म है मुक्कम पोस्ट आई जगह, वो भी सेकंड ग्रेड अच्छी यही कोतवाल में रिसेंटली किया मैंने, वही कोतवाल उसमें भी अच्छा कैरेक्टर, हिस्टोरिकल मूवी।
और अभी ये अभी रिलीज हुई है, एक वेब सीरीज है प्रोफेशनल करके, मैं थिएटर करते रहता हूँ, थिएटर चल रहा है मेरा, अपने माता सारे चल रहा है अभी आपकी दुकान से। जैसे आपने बोला है, जैसे आपने बोला एक पैरल लीड है उसमें चल रहा है, इस फिल्म से, इस फिल्म को रिलीज होने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं जहाँ था वही पे हूँ, बस कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग का प्यार मिल जाए, और बस देखता तो वही हूँ जहाँ हूँ मैं। ये फिल्म कब रिलीज हो रहा है और क्यों देखना चाहिए इस फिल्म को? हाँ, ये फिल्म अभी 11 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, देखना इसलिए चाहिए कि मतलब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, फीमेल हम लोग महिलाओं को बहुत कमज़ोर समझते हैं, इसलिए उनको महिला करके ऐसा चला, महिला ऐसा ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में महिला की बहुत अहम भूमिका है, और ख़ास करके एक महिला, अकेली महिला जो मतलब गांव से पूरी फैमिली को छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दी है, अपने पति के विश्वास पर आती है, जब उसके साथ ये सब घटना घटती है तो कैसे फेस करती है, क्या करना चाहिए, और उस वक्त उसको कौन कौन सपोर्ट करता है, मतलब आदमी इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तभी अपने लोगों की पहचान होती है, इस टाइप का ये फिल्म है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर महिला जो फैमिली फिल्म, फैमिली फिल्म है, हर फैमिली, सब छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग सब बैठ के देख सकते हैं, तो हर महिला ने फिल्म देखनी चाहिए कि जब हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं तब इंसान की पहचान किस तरह कैसे करनी चाहिए। बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है पैरेंट का, बहुत अच्छा डायरेक्शन है इसमें, बहुत अच्छी कहानी है, उसको सराह सकते हैं, इतनी अच्छी कहानी। थैंक यू। देव अकमारे जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड बज न्यूज़ में, HRC बॉलीवुड में और न्यूज़ फैक्ट्री में। नमस्ते। हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दें और इस फिल्म में किस प्रकार का आपका किरदार है उसको संक्षेप में बताएं सर। मेरा नाम देव वाघमारे है, इस फिल्म में मैं एक इंस्पेक्टर का रोल निभा रहा हूँ, जो इंस्पेक्टर वो मतलब इमोशनल है, मगर वो जॉब की वजह से, ड्यूटी की वजह से वो सख्त बिहेव करता है, जब उससे घर से फ़ोन आ रहा है, जब मिसेज से बात कर रहा है, बहुत इमोशनली बात कर रहा है, उसको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी है ऐसे ना कि वो चाहते हुए भी घर वालों को टाइम नहीं दे पाते ड्यूटी की वजह से, और वो अपने घर वालों को नाराज करते रहते हैं, मगर उनको समझने वाली उनकी वाइफ ही रहती है, इस टाइप का वो कैरेक्टर है। जब आपको फिल्म अप्रोच हुआ तो आपके रिएक्शन क्या था, पहला रिएक्शन क्या था? बेसिकली मैं बहुत खुश था जब मुझे फिल्म अप्रोच हुआ, मैं मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत मतलब अरुण जी के साथ मैंने 6-7 फिल्में की है, और ये फिल्म बाय लैंग्वेज है, तो मैं बहुत खुश था, और सेकंड लीड कैरेक्टर है, पैरेलल कैरेक्टर है, हीरो का पैरेलल कैरेक्टर, जब से हीरो गायब होता है उसके बाद इंस्पेक्टर एंड कंटिन्यू इंस्पेक्टर एंड, तो मैं बहुत खुश था, बहुत दिनों बाद मुझे अच्छा कैरेक्टर मिला, बड़ा कैरेक्टर मिला, कुछ तो बनाइए। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, आपने किस तरह का काम किया है पहले और अभी क्या आने वाला है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट? इससे पहले मैंने हिंदी में एक ही किया था वो जिंदगी, और मराठी में मैंने टाटुआ करके सिनेमा किया, टाटुआ है, बटरी बॉयज है, ब्रेव हार्ट में बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा, टाटुआ भी अच्छा कैरेक्टर था, पर मेरी आने वाली फिल्म है मुक्कम पोस्ट आई जगह, वो भी सिकंड यही को तो अलग रिसेंटली किया मैंने, वही को तो उसमें भी अच्छा कैरेक्टर था, हिस्टोरिकल मूवी, और अभी ये अभी रिलीज हुई है, एक वेब सीरीज है प्रोफेशनल करके, मैं थिएटर करते रहता हूँ, थिएटर चल रहा है मेरा, अपने माता रहता सारे चल रहा है अभी आपकी दुकान से। जैसे आपने बोला है, जैसे आपने बोला एक पैरल लीड है उसमें चल रहा है, इस फिल्म से, इस फिल्म को रिलीज होने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं जहाँ था वही पे, बस कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग का प्यार मिल जाए, और बस देखता तो वही हूँ जहाँ हूँ मैं। ये फिल्म कब रिलीज हो रहा है और क्यों देखना चाहिए इस फिल्म को? हाँ, ये फिल्म अभी 11 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, देखना इसलिए चाहिए कि मतलब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, फीमेल हम लोग महिलाओं को बहुत कमज़ोर समझते हैं, इसलिए उनको महिला करके ऐसा चला, महिला ऐसा ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में महिला की बहुत अहम भूमिका है, और ख़ास करके एक महिला, अकेली महिला जो मतलब गांव से पूरी फैमिली को छोड़ दी है, सब कुछ छोड़ दी है, अपने पति के विश्वास पर आती है, जब उसके साथ ये सब घटना घटती है तो कैसे फेस करती है, क्या करना चाहिए, और उस वक्त उसको कौन कौन सपोर्ट करता है, मतलब आदमी इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तभी अपने लोगों की पहचान होती है, इस टाइप का ये फिल्म है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर महिला जो फैमिली फिल्म, फैमिली फिल्म है, हर फैमिली सब छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग सब बैठ के देख सकते हैं, तो हर महिला ने फिल्म देखनी चाहिए कि जब हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं तब इंसान की पहचान किस तरह कैसे करनी चाहिए। बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है पैरेंट का, बहुत अच्छा डायरेक्शन है इसमें, बहुत अच्छी कहानी है, उसको सराह सकते हैं, इतनी अच्छी कहानी है।
थैंक यू। आप किशोर जी, बॉलीवुड बज न्यूज़ में, IHRC में और फैक्ट्री न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रोड्यूसर होता है वो एक जड़ माना जाता है, रूट ऑफ द प्लांट, जो कि वो पूरे पेड़ को खड़ा करता है। इसमें आपका जो किरदार है वो बहुत बड़ा किरदार है, और जो जब स्क्रिप्ट आई आपके पास तो आपका उस क्या सोचा आपने, मुझे क्यों पैसा लगाना चाहिए, इस फिल्म को क्यों बनाना चाहिए? ये क्या हुआ, मैं भगवान का दर्शन लेने के लिए मंदिर चला गया तो उस हमारे दोस्त थे देवता, तो मैं हर समय वहाँ भगवान के लिए जाता हूँ, उनके घर पर जाता हूँ। तो मैं उनके घर पर जाने के बाद हम लोग चाय पानी किया और मेरे को बोला ये स्क्रिप्ट है आपने पास, ये फक्त 12 का। मैंने वो स्क्रिप्ट देखा, पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनको बोला क्या भाई ये पिक्चर आप बनाएंगे, इसको जरूर बनाएगा, बहुत अच्छा है, फैमिली स्टोरी अच्छा है और देखने लायक पिक्चर है। आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर आपके साथ और है। हाँ, दो प्रोड्यूसर का जुड़ना एक फिल्म में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है सर, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि एक सोच अलग अलग विभिन्न प्रकार की। तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा या बड़ा कंफर्टेबल आपको फीलिंग करना चाहिए? अपना दोनों का एकजुट अच्छा होना चाहिए, अपना दोनों का एकजुट अच्छा हो जाएगा ना तो सब कुछ अपना अच्छा हो जाता है, अपन अच्छा रहेगा सब अच्छा होगा, कैरेक्टर के साथ सबके साथ अपन अच्छा रिलेशन रखेगा तो अपना रिलेशन अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम दोनों का अच्छा संबंध था, दोनों हम भाई भाई के साथ थे, इसके लिए हमारा बहुत ही हो गया। हमने ये जो फिल्म दोनों के साथ थे हमने विचार किया और ये फिल्म चालू की, और उसमें प्यारेलाल शर्मा को हमने डायरेक्शन भी ले किया, वो खुद राइटर है, उनको बताया भाई हमको ये फिल्म बनाना है तो हमने चालू किया था। हमारी कास्टिंग शूटिंग जो कुछ है वो आप देखो क्या है, वो हम दोनों को बताओ, हमने काम शुरू किया। जब ये फिल्म आपने शुरू किया तो क्या आपके जहन में ऐसा आया कि हाँ मुझे प्रॉफिट चाहिए या लॉस, ये क्या जहन में आया कि बस मुझे बनानी है इस फिल्म? ये फिल्म मुझे बनानी है लोगों को बताने के लिए, क्या भाई नया कपल है, नया शादी होता है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो उसमें का जो स्टोरी हमने अच्छा लगा उसके ऊपर चालू किया तो लोगों ने देखना मांगते हैं, क्या लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। आपकी इस फिल्म से क्या आशा है? ये पिक्चर अच्छी चलेगी, अच्छा हमको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा भाई कोई अच्छा फिल्म बनाया। और इस फिल्म को आप किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं? अभी ये हमारा 11 तारीख को रिलीज मुंबई में भी है और यहाँ पुणे में भी, सोलापुर सतारा ऐसे बहुत जगह लग रही है अभी। आप लास्ट ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, एक फिल्म रिलीज कब हो रही है और क्यों है? लोगों को कहना चाहता हूँ मैं क्या, ये पिक्चर भक्त 12 बहुत अच्छा फिल्म है, ये बहुत अच्छा फिल्म है, सब घर परिवार ने देखना चाहिए, और मेरे दोस्त देवकर साहब और मैं हमने दोनों ने इसमें हमारा पूंजी लगाया, क्यों लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि पिक्चर कुछ तो बना, लोगों को भी लगना बनता है हम बहुत सालों के बाद ही ऐसा पिक्चर देखने का, अभी 6 बजे तक क्या क्या होता है सब उसमें हमने बताया, और फैमिली ये जरूर देखना चाहिए। अब मराठी पिक्चर है बरोबर सर्वांनी बघितलं पाहिजे, आणि छान सुंदर पिक्चर आहे, बघितलं तर तुम्हाला वाटेल ना आम्ही काहीतरी बघितलं आहे असं तुम्हाला वाटेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ किशोर जी, बॉलीवुड बज न्यूज़ में, IHRC में और फैक्ट्री न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रोड्यूसर होता है वो एक जड़ माना जाता है, रूट ऑफ द प्लांट, जो कि वो पूरे पेड़ को खड़ा करता है। इसमें आपका जो किरदार है वो बहुत बड़ा किरदार है, और जो जब स्क्रिप्ट आई आपके पास तो आपका उस क्या सोचा आपने, मुझे क्यों पैसा लगाना चाहिए, इस फिल्म को क्यों बनाना चाहिए? ये क्या हुआ, मैं भगवान का दर्शन लेने के लिए मंदोबा जिजूरी चला गया तो उस हमारे दोस्त थे देवता, तो मैं हर समय वहाँ भगवान के लिए जाता हूँ, उनके घर पर जाता हूँ, तो मैं उनके घर पर जाने के बाद
हम लोग चाय पानी किया और मेरे को बोला ये स्क्रिप्ट है आपके पास, ये फक्त 12 दस का। मैंने वो स्क्रिप्ट देखना पड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनको बोला क्या भाई ये पिक्चर आप बनाएंगे, उसको जरूर बनाएगा, बहुत अच्छा है, फैमिली स्टोरी अच्छा है और लोगों को देखने लायक पिक्चर है। आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि एक प्रोड्यूसर आपके साथ और है। हाँ, दो प्रोड्यूसर का जुड़ना एक फिल्म में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है सर। क्यों? ये तो बात सही है, क्योंकि एक सोच अलग अलग विभिन्न प्रकार की, तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा या बड़ा कंफर्टेबल आपको फीलिंग करनी चाहिए? अपना दोनों का एकजुट अच्छा होना चाहिए। अपना दोनों का एकजुट अच्छा हो जाएगा ना तो सब कुछ अपना अच्छा हो जाता है। अपन अच्छा रहेगा सब अच्छा होगा, कैरेक्टर के साथ सबके साथ अपन अच्छा रिलेशन रखेगा तो अपना रिलेशन अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम दोनों का अच्छा संबंध था, दोनों हम भाई भाई के साथ थे, इसके लिए हमारा बहुत ही हो गया। हमने ये जो फिल्म दोनों के साथ में हमने विचार किया और ये फिल्म चालू की और उसमें प्यारेलाल शर्मा को हमने डायरेक्शन के लिए किया, वो खुद राइटर है, उनको बताया भाई हमको ये फिल्म बनाना है तो हमने चालू किया काम। तो हमें कास्टिंग शूटिंग जो कुछ है वो आप देखो क्या है, वो हम दोनों को बताओ, हमने काम शुरू किया। जब ये फिल्म आपने शुरू किया तो क्या आपके जहन में ऐसा आया कि हाँ मुझे प्रॉफिट चाहिए या लॉस, ये क्या जहन में आया कि बस मुझे बनानी है इस फिल्म? ये फिल्म मुझे बनानी है लोगों को बताने के लिए। क्या भाई नया कपल है, नया शादी होता है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो उसमें का जो स्टोरी हमने अच्छा लगा उसके ऊपर चालू किया तो लोगों ने देखना मांगते हैं, क्या लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। आपकी इस फिल्म से क्या आशा है? ये पिक्चर अच्छी चलेगी, अच्छा हमको लोगों का आशीर्वाद मिलेगा भाई को अच्छा फिल्म बनाया। और इस फिल्म को आप किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं? अभी ये हमारा 11 तारीख को रिलीज मुंबई में भी है, मुंबई में भी है और यहाँ पुणे में भी है, सोलापुर सारा ऐसे बहुत जगह लग रही है अभी। आप लास्ट ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे, एक फिल्म रिलीज कब हो रही है और क्यों देखें? लोगों को कहना चाहता हूँ मैं क्या ये पिक्चर भक्त 12 दस बहुत अच्छा फिल्म है, ये बहुत अच्छा फिल्म है, सब घर परिवार में ये देखना चाहिए। और मेरे दोस्त देवकर साहब और मैं, हमने दोनों ने इसमें हमारा पूंजी लगाया, क्यों लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि पिक्चर कुछ तो बना, लोगों को भी लगना बन जा रही है। हम बहुत सालों के बाद ही ऐसा पिक्चर देखने का, अभी 6 बजे तक क्या क्या होता है सब उसमें हमने बताया और फैमिली ये जरूर देखना चाहिए। अब मराठी पिक्चर है ना, बरोबर सर्वांनी बघितलं पाहिजे, आणि छान सुंदर पिक्चर आहे, बघितलं तर तुम्हाला वाटेल ना आम्ही काहीतरी बघितलं असं तुम्हाला वाटेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आप बोलने से तुकाराम जी, आपका बॉलीवुड बज न्यूज़ में IHR से बॉलीवुड में न्यूज़ फैक्ट्री में स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन दें और इस फिल्म से आप किस तरीके से जुड़े हैं उसका थोड़ा व्याख्या करें। तो फिल्म के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि फिल्म अच्छी बनी है, सब कैलेक्टर अच्छा है। अभी मेरा दोस्त सह प्रोड्यूसर मी प्रोड्यूसर म्हणून तुमच्यासमोर उभा आहे, तरी हे पिक्चर चांगले झालेली त्याच्याबद्दल काही शंका नाही आणि लोकांचं मनोरंजन ह्या उद्देशाने आम्ही हे केलेलं आहे। आपण बी जगाचं काहीतरी देणं लागतो या हेतूने मी हा फिल्म बनवलेली आणि लेडीजला सर्वात जास्त आवडेल अशी फिल्म आहे, जेंट्सला भी आवडेल, लहान मोठ्यांना पण आवडेल। आरुजीने तुम्हाला सांगितलं की फिल्म कशी झालेली काय त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती दिलेलीच, सर्वे तर माहिती तुम्हाला त्यांनी दिलेलीच, मी काय जास्त बोलणार तरीसुद्धा मी सांगतो की पिक्चर चांगली झालेली आणि सर्वांनी बघावं हीच माझी इच्छा आहे।
इस फिल्म से क्या आपकी आशाएं जुड़ी हुई हैं? इस फिल्म के आशा यही जुड़ी है कि फिल्म जस्ती जा चले, कलेक्शन अच्छा हो और सबका सबको अच्छा पेमेंट मिले, वही इच्छा। थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत। तुकाराम जी, आपका बॉलीवुड बज न्यूज में IHRC बॉलीवुड में न्यूज फैक्ट्री में स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोडक्शन दें, और इस फिल्म से आप किस तरीके से जुड़े हैं उसका थोड़ा व्याख्या करें। तो फिल्म के बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि फिल्म अच्छी बनी है, सब कैलेक्टर अच्छा है। अभी मेरा दोस्त सह प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर म्हणून तुमच्या समोर उभा आहे, तरी हे पिक्चर चांगली झालेली, त्याच्याबद्दल काही शंका नाही। आणि लोकांचं मनोरंजन ह्या उद्देशाने आम्ही हे केलेलं आहे, आपण बी जगाचं काहीतरी देणं लागतो या हेतूने मी हा फिल्म बनवलेली। आणि लेडीजला सर्वात जास्त आवडेल अशी फिल्म आहे, जंक्सला बी आवडेल, लहान मोठ्यांना पण आवडेल। आरुणजींनी तुम्हाला सांगितलं की फिल्म कशी झालेली काय, त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती दिलेलीच, सर्व तर माहिती तुम्हाला त्यांनी दिलेलीच, मी काय जास्त बोलणार, तरीसुद्धा मी सांगतो की पिक्चर चांगली झालेली आणि सर्वांनी बघावं हीच माझी इच्छा आहे। इस फिल्म से क्या आपकी आशाएं जुड़ी हुई हैं? इस फिल्म के आशा यही जुड़ी है कि फिल्म जस्ती जा चले, कलेक्शन अच्छा हो और सबका सबको अच्छा पेमेंट मिले, वही इच्छा। थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिया, बहुत।